आज मैं शेयर करूंगी सूजी केक की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान होता है और बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी होता है ये, तो ट्राई जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सूजी केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बोल लिया है, इसमें डाल देंगे आधा कप दही, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, और ये हमने आधा कप चीनी लिया था जिसको हमने पीस करके पाउडर बना लिया है। अब इन सबको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हम इसमें डाल देंगे 1 कप सूजी, इसके जगह पे आटा या मैदा भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें जरूरत के हिसाब से दूध डालेंगे, तो ये हमने 1 कप दूध लिया है। पहले इसमें आधा डालेंगे, उसके बाद अगर जरूरत होगा तो फिर डालेंगे। ये देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसे ढक के लगभग 15 मिनट तक रखेंगे सूजी को फूलने के लिए। और ये हमने केक में डालने के लिए मिक्स टूटी फ्रूटी लिया है, इसके जगह पे आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। काजू और बादाम को छोटे छोटे पीसेस में काट करके, तो इसमें हम 1 चम्मच मैदा डाल के मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से ये केक में चारों तरफ अच्छे से फैलता है, नहीं तो ये नीचे में जाकर के बैठ जाता है केक का। 15 मिनट लगभग हो गया, तो हम चेक कर लेते हैं सूजी फूला है या नहीं। ये देखिए सूजी फूल चुका है। तो हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ना हो तो आप इनो भी यूज कर सकते हैं इसके जगह पे। आधी छोटी चम्मच वेनिला एसेंस। अब इन सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो हमने जो टूटी फूटी लिया है ये डाल देंगे इसमें। और ये हमने लिया है चोको चिप्स, ये ऑप्शनल है। मिक्स कर लेते हैं इसे भी। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो केक को बेक करने के लिए हमने एक केक टिन ले लिया है। आप किसी भी चीज में केक को बेक कर सकते हैं, टिफिन में या कोई भी स्टील या एल्युमिनियम का कोई भी बर्तन में आप केक को बेक कर सकते हैं। इसमें हम लगा देंगे 1 बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो इसमें आप तेल लगाकर मैदा डस्ट कर ले, इसके ऊपर से थोड़ा तेल लगा देंगे। अब हमने ये जो केक का बैटर तैयार करके रखा है इसे केक टिन में डाल देंगे। अब इसके ऊपर से थोड़ा और टूटी फूटी डाल देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। इधर केक को बेक करने के लिए एक कढ़ाई को हमने 10 मिनट पहले ही गर्म होने रख दिया था। अब हम डाल देंगे इसमें एक स्टैंड, और ये हमने जो केक का बैटर केक टिन में डाल के रखा है इसको सावधानी से रख देंगे इसमें। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे लगभग 25 से 30 मिनट तक बेक करेंगे। ये देखिए एकदम क्लीन है, हमारा केक बेक हो चुका है। तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये पूरा अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तभी हम इसे डिमोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारा केक ठंडा हो गया है, तो हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। तो पहले इसके साइड को थोड़ा स्क्रैच कर देंगे चाकू से ताकि निकालने में आसानी हो। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट केक बनके तैयार हुआ है। तो हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे।
तो ये देखिए हमारा कितना सॉफ्ट और टेस्टी केक बनके तैयार हुआ है। तो एक बार जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और कैसी बनी आपकी रेसिपी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।